टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आप अब रफ्तार पकड़ चुके होंगे रिवीजन की भी और नए नए कंसेप्ट को पढ़ने की। मैं सारे भी प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में। इन टॉपिक को आप अच्छी तरह से अध्ययन करिएगा, माइंड में रख लीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 150 क्वेश्चन में से 130 प्रश्न आपके पास जो मैं टॉपिक बताऊंगा वहां से जरूर आएंगे। चलिए आज हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए पहला जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गल्फ काउंसिल, द आर्कटिक काउंसिल। कौन सा है? आर्कटिक काउंसिल कौन सा है? ठीक है, आर्कटिक काउंसिल मतलब है जो आर्कटिक जो ब्रथ यहां से गुजरता है, यानी आर्कटिक जो प्रदेश जो रीजन है वहां पर। ठीक है, देखिए यहां से बात करें तो 19 सितंबर 1996 को कनाडा का एक शहर है ओटावा। कौन सा? ओटावा है, ठीक है, उसकी यह राजधानी भी है। ठीक है, वहां पर सम्मेलन हुआ और उन्होंने कहा जो आर्कटिक जो क्षेत्र है उसको लेकर के यहां पर कैसे गतिविधियां हो, कैसे इस क्षेत्र को असैन्य बना के रखा जाए, खोज अन्वेषण इन सारे करने के लिए एक समझौता हुआ। ठीक है, तो जो आर्कटिक काउंसिल है उसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 19 सितंबर 1996 को हुई है। कहां हुई है? ये ओटावा में हुई है। और कितने सदस्य राष्ट्र इसके? 8 है। जो आर्कटिक सर्किल से कनेक्टेड जो राष्ट्र हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो रसिया है यानी रूस, ठीक है, दूसरा कौन सा? फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं, नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड, साथ ही आइसलैंड जिसकी राजधानी रिकजाविक है। अब देखिए यहां से है कनाडा और यूएसए। यूएसए का जो पार्ट है वो अलास्का वाला से पूरी तरह से आता है। तो कौन कौन से आ गए? रूस हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया और आपका क्या हो गया? डेनमार्क हो गया। ठीक है, कौन सा? डेनमार्क भी हो गया है, क्योंकि जो ग्रीनलैंड है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है? वो डेनमार्क के ही अंतर्गत आता है। इस तरह से आर्कटिक काउंसिल में आपके कितने? 8 स्टेट हैं। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो नॉर्वे के जो ट्रॉम्से शहर में इसका हेडक्वार्टर है। अब यहां से देखो कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें यह पूछा जा सकता है कि आर्कटिक काउंसिल का कौन सा सदस्य नहीं है देश, 100% अगर आएगा तो इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन सारे देशों का नाम आपको याद होना चाहिए। साथ ही कभी कभी कूट प्लान करने के लिए संगठन का नाम दे देता है और उसकी स्थापना वर्ष दे देता है, तो आपको याद होना चाहिए इसकी स्थापना 1996 में हुई है। अब देखिए अगला जो हमारा काउंसिल है वो है आपकी गल्फ काउंसिल। कौन सी? गल्फ काउंसिल। ठीक है, गल्फ काउंसिल यानी खाड़ी प्रशांत की मैं बात कर रहा हूं, यानी जो फारस की खाड़ी में के देशों का एक ये संगठन है। तो देखिए इसकी जो स्थापना है 25 मई 1981 को हुई है। कब हुई है? 25 मई 1981 को हुई है। और कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? सऊदी अरब का जो शहर है रियाद, यानी उसकी जो राजधानी है वहां पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप की बात करें तो इसके 6 देश इसके मेंबर है। ध्यान रखना, कभी कभी प्रश्न कर देता है कि फारस की खाड़ी को स्पर्श करने वाले और गल्फ और काउंसिल, ध्यान रखना गल्फ ऑफ जो गल्फ कॉपरेशन जो काउंसिल है इसे हम शॉर्ट में जीसीसी बोलते हैं, जीसीसी। ठीक है, कौन कौन है इसमें? इसकी बात करें तो इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, कौन से? सऊदी अरबिया और यूएई। कौन सा? यूएई। ठीक है, यहां से कितने हो गए आपके? 6 हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात की बात कर लेते हैं। देखिए सऊदी अरब यहां पर हो गया आपका, ये कुवैत हो गया, बहरीन जिसकी राजधानी मनामा है, कतर जिसकी राजधानी दुआ है और इसी कतर में अभी आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, सऊदी अरब। ठीक है, और यह आपका यूएई। क्या है? यूएई है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है, ओमान है जिसकी राजधानी मस्कट है। तो ध्यान रखना ये 6 राष्ट्र हैं जो जीसीसी के मेंबर है। लेकिन ध्यान रखना फारस की खाड़ी को स्पर्श करने वाले इराक, कौन सा? इराक और ईरान, ये दोनों इसके मेंबर नहीं है। और यहीं जाकर के बच्चे गलत कर देते हैं, ध्यान रखना ये फारस की खाड़ी को स्पर्श करने वाले तो राष्ट्र हैं लेकिन जीसीसी के मेंबर नहीं है।
ईरान और इराक इसके मेंबर नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से देश नहीं है, इराक और ईरान नहीं है, और ये आपके छह के छह याद होने चाहिए। बहरीन, बहरीन जिसकी राजधानी मनामा है, और सिंधु घाटी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के बीच में ये मध्यस्थता का कार्य करता था और उस वक्त इसे दिलमुन कहा जाता था। कुवैत, कुवैत सिटी। ओमान जिसकी राजधानी मस्कट है, जो ओमान की राजधानी जो मस्कट है ये कर्क रेखा पर स्थित है। किस पर? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। कतर जिसकी राजधानी दोहा है, सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद है, और वहीं पर सऊदी अरब में जो इस्लाम के मक्का और मदीना स्थित है, ठीक है। और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इस तरह से ये आपके गल्फ काउंसिल के मेंबर्स हो गए। अब बात कर लेते हैं देखिए यूपीपीसीएस के लिए हमारा फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है और 13 मार्च से हमने यहां पर 13 मार्च से हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। कल पहला टेस्ट है, इंडियन हिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है, आप उसको दे सकते हैं और ये इसका पूरा मैं डिस्कशन आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। साथ ही एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, टेस्ट जब से ज्यादा देंगे उसी से आपकी क्षमता बानो पड़ जाएगी। और मैंने जो टेस्ट को डिजाइन किया हुआ है वो बिल्कुल यूपीपीसीएस के पैटर्न पर किया है, जैसे आने की प्रबल संभावना है। पिछले वीडियो में मैंने उसका टाइम टेबल बता दिया, नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टाइम टेबल दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिएगा। साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार जो मेरे वीडियो है उनका लेवल देख लीजिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा कि टेस्ट सीरीज आपके लिए कितना उपयोगी हो सकती है। अगर आपको संशय है तो मेरा जो कल एक डेमो वीडियो पड़ा है उसमें डेमो टेस्ट पड़ा है, उसे देख करके आप लेवल का पता लगा सकते हैं और लगता है कि आपको इससे फायदा होगा तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।